पार्टी में आए तो क्या धमाल वगैरह करने वाले, पार्टी को धमाल करने के लिए होती है। ये सब वेरी हैप्पी टू मीट अभिषेक भाई। फिनाले में आई थिंक मुश्किल से 2 मिनट मिले थे स्टेज पर, ज़्यादा देर बात नहीं कर पाया था। एंड उसके बाद डायरेक्टली आई थिंक घर के बाद डायरेक्टली अभी मिल रहा हूँ प्रॉपरली, मिला उसे एंड या वेरी वेरी हैप्पी। घर में तो काफ़ी फाइट हो गया, बाहर भी कुछ ऐसा होने वाला है या क्या? पार्टी थोड़ा ही करके बने हुआ अगर आपको बिग बॉस की आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं ना, इधर कोई झगड़ा करने की जरूरत है। तो क्या कुछ डांस वूस करने वाले हो या जो हो गया बिग बॉस बोल रहे जल्दी में स्टार्ट करने वाले हो? मतलब म्यूजिक बजेगा, डांस करेंगे, सब डांस करेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट मेरे जितने भी हमारे जो ग्रुप वाले थे वहाँ पर कि आए हैं सब मिले, मम्मी से मिलकर आ रहा था तभी आप लोगों ने बुला लिया तो मैं आ गया। मैंने उसको अंदर बोला था मैं तेरी कॉमेडी का परपेचुअल फैन हूँ, मतलब इस तरह से मैंने उसको बोला था। वो तो एटलीस्ट शो में जो करता था, इसके पहले मैंने उसका एक भी काम देखा नहीं था, पर शो में जो भी उसने आई डोंट नो कितना दिखाया आप लोग को पता नहीं, लेकिन उसने जो हमारे साथ बैठ के जो जोक्स मारता था वो संभाल के देखा। इसी के साथ साथ दोनों के फैंस के जो मीटअप हुए थे आपने वो देखा, क्या कहना चाहोगे उनके मीटअप के बारे में? इमेंस फैन फॉलोइंग दे हैव एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। सीन्स बहुत आई थिंक इंक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम सर। एक बात बोलिए, अंकिता और आपका अभी जब मिले आपका अंकिता से मुलाकात हुआ किस तरह के बोलने लगे आप? तो काफ़ी सारे मतलब एक दूसरे को मतलब फाइट कर रहे थे, तो क्या किस तरह रिएक्शन कर थोड़ा सा अभी तक मतलब मिलने के लिए प्लान वगैरह बना कि भाई मिलने जो अंदर बाहर आई थी ऐसे निकलने के बाद सब इजी रहते हैं। अभिषेक ने खतरों के खिलाड़ी कहीं ना कहीं ये खबर आ रही है कि अभिषेक को मनारा खतरों के खिलाड़ी यू नो शो एक्सेप्ट किया है उन्होंने, उनका जो प्रपोजल था। तो क्या इस बार मील देख सकते हैं? लास्ट सीजन में ऐश्वर्या थी तो आई डोंट नो यार, नॉट डिसाइडेड, अभी तक मुझे ऑफर नहीं। एक बात